आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत आड़ पंचायत समिति दरियाबाद जिला प्रतापगढ़। सरपंच पद प्रत्याशी मनोहर लाल मीणा से बातचीत में उन्होंने बताया कि मैं सरपंच समाज की सेवा के लिए बनना चाहता हूं और पंचायत का हर वो कार्य जिससे हमारी पंचायत वंचित है उस कार्य को पूर्ण करवाना ही मेरा लक्ष्य रहेगा। सर मेरा नाम मनोहर लाल मीणा है, मैं गांव जगलाल से बिलोंग करता हूँ और हम सारा जगलादा गांव माई विस्थापित दुक्षेत्र बासवाड़ा के रहने वाला है। काफ़ी प्रयासरत हैं हम, हमारी पंचायत को अलग किया जाए, हमने कई बार ज्ञापन वगैरह दे चुके हैं और यानी कि तहसील स्तर जिला स्तर तक हमने ज्ञापन का अवगत अधिकारियों को करवाया, लेकिन हमारा अभी तक जो समस्या है हमारे जगलादा गांव काफ़ी समय से मतलब अनेक विसंगतियों से ग्रसित है, विकास की तौर पे कहो, रोड की तौर पे कहो और व्यवहार की तौर पे। तो हम ये देखते हैं कि हमारे गांव जब तक जगलादा पंचायत नहीं बने, जब तक हमारा लक्ष्य पहला कि हमारा जगलादा पंचायत बने जी जी। और आगे जगलादा पंचायत बनाने के लिए हमें एकजुटता की जरूरत है, तो पब्लिक से हम उनसे प्रत्येक घर डोर टू डोर हम संपर्क करें, भाई हाँ कुछ भी करके आपके पास जगलादा पंचायत सरपंच बने, सरपंच बनने के बाद हमारी पंचायत कोशिश। मनोहर जी पहले भी किस पद पे रहे हो, फर्स्ट टाइम? जी सर, मैं वैसे मैंने बीए कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, अभी समाज सेवा का काम मेरा चल रहा है, अपना खुद का क्लिनिक है हल्का सा, तो लोगों की सेवा में हम तत्पर दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। प्लस गवर्नमेंट से हमें लोक जुम्मी परियोजना के अंतर्गत हम विगत काफ़ी प्रयासों के पास हम उस समय विद्यालय चलाते थे, हमने गवर्नमेंट से गोर्धन मिला उदयपुर डायरेक्ट से हमने बीएससी करी, लेकिन दो बार हमने दिया लेकिन हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं, रीट दिया रीट में नहीं हुआ, अभी हमारे पास दोनों डिग्रियाँ हैं। प्लस हम एक बेरोजगार जुझारू कार्यकर्ता होकर के हम गाँव वालों ने कहा कि आप लोग सुना में उतरे, यूँ करके मेरा यह तीसरा सुना चल रहा है, स्वतः वापस लड़ने जा रहे हैं। तो अब की बार भी हमने मकसद किया था कि हमारा गांव की तरफ से, तो गांव वालों ने कहा कि आप एक बार इस अवसर को वापस लें जी जी, ताकि हम आगे कामयाबी हासिल कर लें। अगर आप सरपंच बनते हैं तो आठ पंचायत को किस प्रकार उनकी भूमिका में देखना चाहते हैं? अगर सर हम अगर सरपंच बनते हैं तो हम आठ पंचायत के प्रत्येक नागरिक को जी वो अपना समझ करके सब परिवार की तरफ समझ के समानता के साथ सबका विकास सब व्यक्तियों को साथ में लेकर चलेंगे, हमारी ये भावना है। सर हम बात करते हैं आर्ट की, तो हमने यहाँ किया कि आज भी लोग पढ़े लिखे बहुत कम हैं, शिक्षक स्तर डाउन है, तो उनके लिए आपके माध्यम से क्या प्रयास करवाए जाएंगे? हमारे यहाँ सर एक तो शिक्षा का स्तर बहुत कम होने का कारण तो मैं वैसे ही हूँ, तो विद्यालय माध्यमिक स्तर के हैं, प्राथमिक स्तर के भी विद्यालय हैं और अभी तो चारों तरफ से भी मतलब ये हो रहा है कि मैं अध्यापकों की कमी नहीं हो और बच्चे भी एजुकेशन की लाइन में अच्छा वर्क कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विसंगतियाँ हमारे यहाँ अभी तक है, जो एक एक्टिवता और परफेक्टता अभी तक और विकास की दौर की गति बहुत कम है। जो हम सारे हम हमारे नागरिकों को हमें प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए वो अभी तक हमें अधिकार नहीं मिल पा रहे। सर अगर विशेष तौर से अपने यहाँ बात करते हैं तो किसान के 90% खेती पे डिपेंडेंट हो, बिल्कुल, तो या उनके लिए क्या योजना लेके आएंगे आप? अगर सर हमारे यहाँ अगर हमें सरपंच के रूप में उम्मीदवार के रूप में अगर हैं तो हम प्रत्येक नागरिक को किसानों से मिलने वाला लाभान्वित जितना भी सरकार द्वारा बेनिफिट दिया जा रहा है उसको हम प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए उनको लाभान्वित जो भी भाव अनाज का भाव मान लिया जाता था हमारे कृषि मंडी दरियाबाद में, अभी तक हम प्रयासरत हैं पर अभी तक कोई व्यवस्थित ढांचा बैठ नहीं पाया है, तो हमें जो भी किसान का मानदेय मिलना चाहिए उस अनुपात में वो नहीं मिल पा रहा, ये हमारी किसानों की पीड़ा है। आपके अगर आप समझते तो किसानों के लिए आपका विशेष जिम्मेदारी, बिल्कुल हम समझते हैं उस पीड़ा को, तो हम ये बहुत बड़ी अच्छी बात थी। तो एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि अपने इस क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, युवा है वो भी नशे की तरफ जा रहे हैं और भी बहुत सी कुरीतियां बाल में बहु है, दहेज प्रथा, मृत्यु बहुत जैसी कुप्रथाएं जल्दी,
तो उनके बारे में आपने क्या सोचा अगर आप सरपंच बनते हो? उनके बारे में हम यह प्रयास करेंगे, ये तो हमारे आदिवासी बेल्ट ट्राइबल एरिया गिना जाता है, उसमें ये बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों में, कुप्रथाएं हैं जो एक नशे के लत में प्रत्येक नागरिक जुड़ा हुआ है, प्लस उनमें हो सकता है शिक्षा की कोई ना कोई कमी रही है, शिक्षा से जुड़ाव नहीं है, और बहुत सारे प्लायनवादी लोग यहाँ से अहमदाबाद सूरत बॉम्बे मजदूरी वगैरह करते हैं, और उनको प्लायनवादी रहते तो उनको क्या वो संगत का आश्रण पड़ता उनको, तो वो संगतों में ऐसे उनके साथ बैठता, तो वो ऐसे आदतें हमारे गांव में प्रत्येक नागरिक के साथ हो रहा है, तो हम यूं मान रहे हैं कि उनके प्रति हम नशाबंदी के रूप में हम प्रतिबंध लगा करके ऐसा नहीं किया जाए उनको, यानी कि उनको सुधारने की कोशिश हम करेंगे, भाई नशा पता करोगे तो आपके घर बर्बाद हो जाएगा, और सुधार करके ताकि समाज अपने आगे उत्थान की तरफ बढ़े। सरपंच साहब, यहाँ हम आए तो सर्वे किए कि युवा ज्यादातर आप युवा भी आपके साथ जी, तो युवाओं के लिए युवा होने के युवा सरपंच है और युवाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? युवा सर युवाओं के लिए हम यह प्रयास करेंगे जितने भी युवा लोग हैं उनको एक नई गाइडलाइन का थोड़ा उनको ज्ञापन देंगे, ताकि उनको भी अवगत रहे कि हम एक युवा हैं, हम नई पीढ़ी के लिए सोच हैं। जी जी, नई पीढ़ी में जो कमियां हैं कि हम नशाखोर हो रहे हैं और उससे हमारा समाज में डूब क्षेत्र में जा रहे हैं, डूब में जा रहे हैं, जिससे हमारा समाज आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा। जी जी, पढ़ाई हमारे यहाँ क्या होता है कि कम से कम पढ़ाई बी ए 12वीं तक कर लेता है, और नौकरियों में हमारे यहाँ एक हो सकता है कोई शिक्षा की कमी रही है, जहाँ तक बच्चे आगे तक अच्छे अच्छे एग्जाम देते हैं उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता, हो सकता है सेटिंग बाज होता आगे, तो हमारे बच्चे अधिकतर मतलब डिग्रियाँ होते हुए भी रह रहे थे, अगला देखता है कि इन बच्चे की तो इस भैसाब के बच्चे की नौकरी अभी तक नहीं लगी, इतना पढ़ाया इतना कराया, तो उनमें भी वो निराशवादी भावना पैदा हो रही है। सर्वप्रथम पंचायती राज के चुनाव की बात हो या पंचायती राज का, जैसे ही अपन नाम सुनते हैं तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा जाता जाता है, तो इसके लिए जैसे अगर आप सरपंच बन जाते हैं तो भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगाने के लिए आपके क्या प्रभावी कदम रहेंगे? अगर सर हम सरपंच उम्मीदवार बन गए तो हम प्रत्येक नागरिक को ये सजग करेंगे कि भ्रष्टाचार के प्रति सजग हो जाए, जग जाए, ताकि अपना मूल अधिकार मूल कर्तव्य क्या है, हमें क्या नहीं मिल रहा, हमें क्या कमी, हमें जो भ्रष्टाचार की नीतियों को हम अवगत करवा रहे हैं वो हम किस बिंदु पे ले जाए ताकि हमें उस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके और आगे हम एक आजादी की तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो समझो विशेष तौर से अभी देख रहे हैं कि कोरोना बीमारी है बिल्कुल भयंकर, पूरे वर्ल्ड को चपेट में ले रखा है, इस तरफ चुनावी सर्गर्मी में तेज है जी। तो वर्तमान में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार से करवा रहे हो चुनाव प्रचार के दौरान? अभी तो सर हम प्रत्येक गांव तक संपर्क कर रहे हैं और लोगों को सजेशन प्रसार के मुताबिक ये भी सजेशन दिया जा रहा है कि डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क हमेशा लगा हुआ रहे, वोट देने जाने से पूर्व अपने वोटर आईडी कागजात को अच्छी तरह संभाल लें और मास्क लगा के जाएं, डिस्टेंसिंग का गवर्नमेंट का जो नियम है उसको हम जरूर पालन करवाते हुए सुचारू रूप से इस चुनाव को करवाएंगे। और कुछ लोगों को, गांव के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? गांव के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले ये इस वक्त जो समय चल रहा है जी, एक सजग और जागरूक और नवयुग जानकार कार्यकर मतलब उम्मीदवार को विजय बनाए और आगे बढ़ाए, जिससे आपका सर्वमुखी विकास की तरफ हम ले जा सकें और प्रत्येक पीड़ा को हम समझ सकते हैं, आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा हमारी पीड़ा आप समझ सके तो ही हम विकास कर पाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और फिर समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।